नाजरीन आदाब, मैं मोहम्मद सुल्तान बेबाग न्यूज़ टीवी में आपका खैर मकदम करता हूं। पेश है आज की अहम खबर। पब्लिक सिक्स नाइट बोले तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग सेवन आता, सिक्स नाइट को मिड नाइट अबाउट 12:45 को ये मिर्ज़ा आज़म बेग बोल के ये ड्राइवर है, इन्हों ऑफिस बाबा नगर में रहता, इनका कार लेके एल बी नगर में इंतज़ार कर रहा था। वही टाइम पे 12:45 के कॉल आया, अहमद रज़ा, वो कैब बुक करते ना, वो ऊबर कैब बुक करे, तो उनको बोला, लोकेशन बताया, तो दो मोहम्मद रज़ा और फखरुद्दीन बाबा बोल के दो बच्चा एयरपोर्ट जाने के लिए वो कार बुक कर रहे थे, उन्होंने एल बी नगर में पिक करके उनको दोनों को पैसेंजर को समझ के उन्होंने ऐसा सेम बालापुर मंदमल्लम बालापुर ऐसा पहाड़ी से बालापुर से ऐसा आके आर सी आई रोड्स में से इधर वीडियो कंजंक्शन के पास आते, आने के बाद उन्होंने पेशाब करने के लिए उन्होंने जो पैसेंजर्स बोला ड्राइवर को, उन्होंने बोला आइंदा नेक्स्ट ओनली एयरपोर्ट है नज़दीक है, वहाँ जाने के बाद गाड़ी रोकते बोले तो उन्होंने नहीं रोका। उन्होंने एक साइड पे बैठा था और पीछे एक आदमी बैठा था, उनको ज़बरदस्ती उनको खींच के एक चाकू से इंजूर कंप्लेंट मिर्ज़ा ट्विटर में पोस्ट लगा उन्होंने, कोई पुलिस एक्शन लेने का एबल का मॉर्निंग में हमारे पुलिस स्टेशन को पहाड़ी शरीफ आके कंप्लेंट करे तो क्राइम नंबर 208/2023 अंडर सेक्शन 394 रॉबरी सेक्शन में केस रजिस्टर हो गया। रजिस्टर होने के बाद इन्वेस्टिगेशन में उनका ऑलरेडी ऊबर में बुक करने के बाद नंबर आता ना, नंबर के साथ चेक करे तो उनका एड्रेस वहाँ मिला, अपने जगतगुरु तक के पी एच पी तरफ एड्रेस मिला। वो के पी एच तरफ एड्रेस मिलने के बाद हमारा टीम्स और इसके इसमें केसेस में हमारा सी सी एस टीम अपने राजकोंडा का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करके हमारे भी साथ में ले के उनको ट्रैक करने के लिए टीम्स लगा के कोशिश करा। ये इन्वेस्टिगेशन में सुबह उनको वहाँ घर को जाके दोनों को मोहम्मद रज़ा अहमद रज़ा को और फखरुद्दीन बाबा है दोनों को, एक तो इन्हों वेस्ट बंगाल के A1 मोहम्मद अहमद रज़ा वेस्ट बंगाल के और फखरुद्दीन बाबा ना कर्नाटक है, दोनों भी साथ में फ्रेंड्स हो गया। फ्रेंड्स होने के बाद ऐसा चोरियां कर रहे और ये ऑफेंस करने के बाद भी एक राजेंद्र नगर में भी एक ड्राइवर के साथ क्राइम नंबर 430/2023 अंडर सेक्शन 38 IPC में वारायनर में सेलफोन्स वहाँ भी चोरी करा, साथ ही ड्राइवरों को डुबा के हम भी ड्राइवर साहब बल्कि उनको ऐसा चीटिंग करके वहाँ के भी सेलफोन्स वो भी रिकवरी करा। पूरा इसके दोनों को अरेस्ट करने के अरेस्ट कर दिया। इनके पास जो चाकू रिकवरी करा वो जो इंजरी करे थे और इसका सेलफोन्स यहाँ हमारे सेलफोन वो बच्चा का सेलफोन कार भी रिकवरी कर दिया वो विक्टिम का और राजेंद्र का भी सेलफोन्स रिकवरी करके आज उनको कोर्ट में पेश करेंगे। और उनको TI पर भी रहते केवल तो मीडिया के सामने नहीं आ सकते, उनको प्रॉब्लम इन्वेस्टिगेशन प्रॉब्लम होता है, उनको सजा करने के लिए प्रॉब्लम होता नहीं हो, इसीलिए हम हमारे से बस ये प्रेस नोट है। हाँ A1 तो राजेंद्र केसेस में है ये ऑलरेडी, ये ऑफेंस करने के बाद वो सेलफोन्स भी चोरी करा वो भी केसेस है इसके ऊपर और भी पुलिस कस्टडी लेके पूरा डिटेल इंट्रैक्शन में इनका क्या ऑफेंस है, इन्हों कर्नाटक है और एक A1 वेस्ट बंगाल के, इनका पूरा इंट्रैक्शन में मिलना है कर साथ में। अभी अब एक केस तो हमारे कन्फ्यूज कर कबूल करे वो केस में भी रिकवर करा और पुलिस कस्टडी लेने के बाद डिटेल इंट्रैक्शन होता। बस चोरी करना, पैसा लेना, लूट लेना, एंजॉय करना और क्या रहता है रीजन चोरों को, अननेसेसरी विक्टिम को मार के चले गए तो पर नहीं, मगर चाकू से मारा लकीली बच गया उन्हों, अगर कुछ हो गया तो उसका फैमिली का अपन कुछ नहीं करता। ये नहीं, मैं भी विक्टिम को एक ऊबर कैब बुक करता, मैं भी जाता, मैं क्या करता उनको क्या मालूम, पुलिस कैब ड्राइवर जाते रहते हैं मगर हर एक कैब ड्राइवर को ऐसा नहीं करते, नहीं चोर इंटेंशनली उनका दिल में क्या है अपने क्या मालूम रहता, पुलिस को तो नहीं मालूम रहता, हर एक गाड़ी चेक करके पैसेंजर सही है ड्राइवर सही है नहीं पूछ सकते ना, ये तो गलत है। यू आर अच्छा पेट्रोलिंग कर रहे, पब्लिक हेल्प करने के लिए हम यहाँ पे भी अच्छा पुलिसिंग करने के लिए हम यहाँ डिवीजन आ गया,
एक जोन ऑफ जोन ऑफ से गवर्नमेंट का सर नाइट में भी यहां पे तो खराब के बाहर जमीनों की लड़ाई हो रही है। 3 महीने में 3 बार अपने